हरियाणा की पुलिस नारा तो देती है सेवा, सुरक्षा और सहयोग का, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है पुलिस के नारों की हवा निकल जाती है। जी हाँ, सोनीपत की ये तस्वीरें देखिए, जहाँ सिविल लाइन्स थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, मगर पुलिस को भनक तक नहीं लगी। युवक पर हमले की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें घटना को अंजाम देकर लाठी डंडे लेकर बदमाश भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना शहर के सबसे व्यस्ततम सुभाष चौक पर हुई और बदमाश मौके से फरार भी हो गए हैं। ऐसे में जहां घायल युवक इंसाफ की गुहार लगा रहा है, वहीं पुलिस अधिकारियों ने जवाब देने की बजाय मीडिया से दूरी बना ली है। क्या करने कहाँ से आ रहा था तुम? मैं कच्चे क्वार्टर में जा रहा था। कच्चे क्वार्टर में आने लग रहा था, मारने लग गए। हाँ, मैं भाज लिया। फिर जानता है कौन थे वे? ना साहब, जानते नहीं। मैंने के कितने बच्चे थे? 20-22। क्या था उनके पास हाथों में? बीटे थे और एक तलवार ले रहा। घायल युवक सचिन गांव मोई माजरी का रहने वाला है, जो कि सोनीपत कच्चे क्वार्टर आया था और उसके बाद सुभाष चौक की तरफ आ रहा था। इसी दौरान 15 से 20 युवकों ने लाठी डंडों के साथ उस पर हमला कर दिया। घायल युवक का कहना है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमला करने वाले कौन थे और उन्होंने क्यों हमला किया, उसे कुछ नहीं पता। फिलहाल पुलिस थाने में शिकायत लेकर पहुंचे युवक को पुलिस ने ये कहकर वापस भेज दिया है कि पहले मेडिकल करवाओ, फिर शिकायत दर्ज होगी। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।